तो सिंपल सी बात है, आप फर्स्ट फेज में पता है आपको कब क्विट करने करना है, एग्जाम सेंटर पे गए और आपको लगता है कि आप पेपर नहीं दे सकते, 9 बजे अगर आपका पेपर है तो 9:15 बजे क्विट करते हो, तो ये ठीक है कि भाई लास्ट मोमेंट तक मुझे लगा। हेलो एवरीवन, मैं अनुज कुमार सिंह, शिक्षा धाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो बनाने का क्या पर्पस है? एग्ज़ाम हमें सेकंड फेज़ में देना चाहिए या फिर अभी देना चाहिए? बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये कन्फ्यूज़न है और बहुत सारे स्टूडेंट डिसीज़न ले चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट जिनको डिसीज़न लेना बाकी है। तो जो ले चुके हैं वो भी देखें और जो लेने की सोच रहे हैं वो भी देखें। सिंपली आपका बीकॉम का सेकंड फेज़, बीकॉम ऑनर्स और प्रोग्राम एज वेल एज दोनों की बात करूंगा। आपका एक एग्ज़ाम मई में है और एक एग्ज़ाम अगस्त में है। प्रोग्राम फोर सेमेस्टर SOL वाले बच्चों का जून में है, उसकी बात नहीं कर रहा मैं अभी, रेगुलर और बाकी जिनका एग्ज़ाम मई में है। अब देखिए, आप अगर सेकंड फेज़ में जाते हैं तो आपको क्या क्या दिक्कत हो सकता है आगे एग्ज़ाम में, मैं उसकी बात करूँगा। सेकंड फेज़ में ना आपके जब जाएंगे तो अगस्त सितंबर तक पेपर मान के चलो जाएगा और आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम दिसंबर स्टार्टिंग में आ जाएगा, यानी दिसंबर तो छोड़ दो, नवंबर, तो सितंबर के बाद आपके पास अक्टूबर और नवंबर 2 महीने बचते हैं। और अगर आप फिफ्थ सेमेस्टर के एक भी एग्ज़ाम में फेल होते हैं, अगर पास नहीं हो पाते तो आप पूरा फेल माने जाएंगे। अभी अगर फेल नहीं होते तो आपके पास चांस है आगे देने का, लेकिन फिफ्थ सेमेस्टर में अगर मान लेते हैं एक पेपर में फेल होते हैं तो वो पेपर 6 में नहीं होगा, वो पेपर आगे जाके होगा जब आपका आगे फिफ्थ सेमेस्टर अगला आएगा। तो एक साल तो आपका वेस्ट गया ही, आप ना कोई M.Com भर सकते हैं ना कुछ भर सकते हैं। एक ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है क्योंकि हमें 2 महीने बचते हैं वहाँ पर। अब अभी एग्ज़ाम में बोलेंगे सर अभी तैयारी नहीं है, अगर अभी फेल हो गए तो भी तो हमें दोबारा देना पड़ेगा एग्ज़ाम। और एक इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अभी आपके पास मान लेते हैं 10 दिन हैं, अब स्ट्रेटेजी अगर आप तैयार करोगे ना, आपके पास 4 सब्जेक्ट हैं, आपके पास कॉस्ट है, आपके पास मैथ्स है, ऑनर्स वाले बच्चों के पास प्रोग्राम के पास तो कॉर्पोरेट है, और आपके पास यहाँ पे कोई थ्योरी का सब्जेक्ट है अलग अलग जो कि हर कॉलेज का अलग होता है, 2 कोर सब्जेक्ट है, 2 आपके थ्योरी के सब्जेक्ट हैं। मैं कॉस्टिंग की बात करूँ तो बहुत आसान से मैंने पूरी प्लानिंग बता दी है पहले वीडियो में, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। मैथ्स की बात करूँ, रेगुलर क्लासेस चल रही हैं, इसके एग्ज़ाम जून में हैं, रेगुलर क्लासेस चल रही हैं 2 घंटे की, मैं यूट्यूब पे कोशिश कर रहा हूँ कि सारी वीडियो जल्दी से जल्दी अपलोड करवाता जाऊँ, ये भी हो जाएगा। थ्योरी के सब्जेक्ट की बात करूँ, इसका कोचिंग वैसे भी आपको नहीं मिलना, आपको सेल्फ पढ़ना है। तो सर पढ़े कैसे जो कि हमारा सारा सिलेबस ख़त्म हो जाए? सिंपल सी बात है, आप 10 ईयर उठाइए, क्योंकि आप ना अभी फर्स्ट टाइम एग्ज़ाम दे रहे हैं, अपने सीनियर से पूछिए कि वो कैसे तैयारी करते थे। लास्ट मोमेंट पर हर बच्चा 10 ईयर ही लेके जाता है, 10 ईयर लेके जाता है मतलब 10 ईयर ही उठाता है पढ़ने के लिए, ठीक है, एग्ज़ाम में नहीं लेके जाना आपने 10 ईयर। अब इसके अंदर 10 ईयर किसका लेना है? शिवदास का। सर शिवदास का 10 ईयर क्यों लेना है? कुछ सिस्टमेटिक तरीके से इसके सारे 10 ईयर मैंने रिव्यू किए हैं, रिव्यू इन द सेंस मैंने देखे हैं, और कुछ 10 ईयर जैसे इनकम टैक्स और PTP इसके 10 ईयर मैं खुद बनाता हूँ, तो उसके जो कस्टमाइजेशन है वो अच्छे तरीके से करता हूँ मैं, क्योंकि जैसे मैं 8-10 साल से मैं जैसे कि पढ़ा रहा हूँ बच्चों को, तो कैसा कैसा DU का पैटर्न है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं बनाता हूँ कि पहले बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए, फिर ये आना चाहिए, इस तरीके से। तो आप 10 ईयर लेंगे, अब प्रैक्टिकल पेपर की कैसे तैयारी करें? 10 ईयर के अंदर आपके 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 10 ईयर 3 पार्ट में इनफैक्ट, एक होता है थ्योरी पार्ट, एक होता है प्रैक्टिकल पार्ट, एक होता है पेपर पार्ट। प्रैक्टिकल पेपर के लिए सबसे पहले तो आप प्रैक्टिकल वाले पार्ट को ख़त्म करिए, उसके बाद पेपर में से ख़त्म करिए, उसके बाद थ्योरी को करिए।
मैं कॉस्टिंग में आपको 7 से 8 थ्योरी बता दूंगा, 10 थ्योरी मैक्सिमम जो कि पेपर में आएंगे उसी पैटर्न पे, ठीक है। मैथ्स में भी आपको ऐसे ही करना है, सेम सिस्टम है। अब आ जाते हैं थ्योरी वाले पार्ट पे। थ्योरी में आपको चैप्टर वाइज थ्योरी दे रखे हैं, और वो भी जो एग्जाम में आते हैं ना पेपर में आपके, वही थ्योरी है, उससे बाहर एग्जामिनर दे ही नहीं सकता। तो सिंपल सी बात है, आप फर्स्ट फेज में पता है आपको कब क्विट करना है, एग्जाम सेंटर पे गए और आपको लगता है कि आप पेपर नहीं दे सकते, 9 बजे अगर आपका पेपर है तो 9:15 बजे क्विट करते हो, तो ये ठीक है कि भाई लास्ट मोमेंट तक मुझे लगा नहीं हुआ। लेकिन 10 दिन पहले 15 दिन पहले बोलते हो नहीं हुआ, इट मीन्स आप देना ही नहीं चाहते पेपर, सिंपल सी बात है। आप अगस्त में दो या फिर अभी दो, आप पढ़ना तो पड़ेगा, तो उससे अच्छा अभी एक बार पढ़ के देखो। इन शॉर्ट, अगर आपकी प्रिपरेशन हो जाती है, और पेपर सबसे पहले प्रिपरेशन कैसे हो गई, आपने सारा पेपर तैयार किया और पीछे 3 पेपर 4 पेपर उठा लो और 4 पेपर में से क्वेश्चन देखो, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, तो इन शॉर्ट आप देख पाओगे कि अरे यार पेपर में से तो हमें 4-5 में से हम 4 क्वेश्चन भी कर पा रहे हैं अच्छे से, किसी किसी में तो 5 भी कर पा रहे हैं, तो तैयारी तो हो गई है। आप सारे चैप्टर को मत कंसिडर करना, 20 चैप्टर तो 20 करेंगे, ऐसा नहीं। तो अभी क्विट बिल्कुल मत करना, लास्ट टाइम पे 10 ईयर उठाओ, पढ़ना चालू करो सिस्टमेटिक तरीके से। बहुत सारे बच्चों की क्वेरी है कि सर हम बाहर हैं, हमें 10 ईयर मिल नहीं रहा, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, आप सभी बच्चों को नंबर दे दूंगा और लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन में क्या करूँगा, जो शिवदास के जो कि मेन सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं उनका नंबर दे दूंगा और वेबसाइट का भी लिंक दे दूंगा, वेबसाइट से भी प्लेस करिए, और हो सके तो आप कॉल कर दीजिए। टाइमिंग उनकी रहती है 10:30 बजे से शाम को 6 बजे तक बैठते हैं, कॉल करिए, रेफरेंस में मेरा नाम दे सकते हैं आप, और कॉल करके आप बोल दीजिए कि सर मेरा एग्ज़ाम है अभी, मुझे आसपास नियर बाय 10 ईयर नहीं मिल रहा, अगर आपका कोई शॉप है यहाँ पे तो मुझे बताइए, मैं वहाँ से जाके ले लेता हूँ, या आप 1 डे में डिलीवर करवा सकते हैं मुझे तो डिलीवर करवा दें, रिक्वेस्ट करिए, आपके पास 10 ईयर आ जाएगा और सारे सब्जेक्ट के लेने हैं 10 ईयर लीजिए और फटाफट से स्टार्ट करिए। तो बस मुझे आपको यही मैसेज था कि सेकंड फेज में आप एग्जाम वाले दिन डिसीजन लेना, अभी से लेके मत बैठना कि सेकंड फेज में देंगे, अगर अभी से आप डिसीजन ले रहे हो मतलब आप सेकंड फेज में भी आपकी वही हालत होगी जो कि अभी है। आपने किस रीजन से पढ़ा नहीं पढ़ा वो सब फॉरगेट, हटाओ उसे, किस हमने सोचा ओबीई होगा, हमने सोचा कोविड आएगा, हमने सोचा बीमार हो रहे थे, ये हो रहे थे, गाँव में थे, सब हटाओ। अभी फिलहाल के टाइम आपका 10 दिन है, इसी 10 दिन में करें, और बिलीव करना 10 दिन में आप सही तरीके से सारे के सारे सोशल मीडिया को क्लोज करो और अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो आप पूरे 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। लेकिन पढ़ने की बात हो रही है, पेज नहीं पलटना, आपने पढ़ना है। जो भी दिक्कत आती है आप कॉस्टिंग से रिलेटेड, मैं सारे डाउट सॉल्व करूंगा, सारे वीडियोज़ मैंने अपलोड कर दिए और मैं ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश कर रहा हूँ आप सभी के लिए, और साथ के साथ आपका मैथमेटिक्स का भी मैं डालने की कोशिश कर रहा हूँ उसी के अकॉर्डिंग जल्दी से जल्दी अब मैं, और थ्योरी वाले पोर्शन को भी करने के, थ्योरी के कैसे हमें पढ़ना चाहिए एक थोड़ा सा स्ट्रेटेजी मैं बता देता हूँ। आपका जैसे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल में 2 भाग है, एक प्रैक्टिकल है एक दूसरा है, तो प्रैक्टिकल वाले में आप क्या करेंगे कि प्रैक्टिकल पहले कर लिया और जो प्रैक्टिकल चैप्टर करा वही पेपर में से आपने ढूंढ ढूंढ के कर लिया, उससे सो दैट होगा क्या कि आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगा। थ्योरी आप फिर बाद में उठाएं थ्योरी, क्योंकि अगर आपको प्रैक्टिकल आ गया ना तो फिर थ्योरी आराम से कर सकते हो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में। थ्योरी वाले में क्या करना है आपने, थ्योरी वाले सब्जेक्ट के लिए बहुत सिंपल सा स्ट्रेटेजी बताता हूँ। पिछले 5 साल के पेपर, जैसे मान लेते हैं 21, अभी तो 21 का पेपर हुआ होगा, 21 20 21 का छोड़ दो, 21 वाले पेपर पे कोई पैटर्न में आपके एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला, जो जितने भी ओबीई एग्जाम हुए हैं उस तरीके का पेपर नहीं आने वाला, ये दिमाग से निकाल देना। 21 छोड़ दो, 20 18 19 5 साल के पेपर लिए और सारे क्वेश्चंस एक पेज पे लिख लो। एक पेपर में 20 क्वेश्चन होते हैं, 5 साल को उठाए 100 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन लिखे, अब उस क्वेश्चन में से एनालिसिस करो, 100 में से आप देखोगे कम से कम 60 से 70 क्वेश्चन क्या होंगे, कट जाएंगे, और जब 60 से 70 क्वेश्चन कटेंगे तो 60 से 70 क्वेश्चन कटने के बाद आपके पास 20 से 25 ही क्वेश्चन बच पाएगा जो कि एग्जाम में बार बार आएगा, रिपीट वाले क्वेश्चन होंगे, तो वो एनालिसिस करना है। मैं कोशिश करूंगा कि वो थ्योरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी जल्दी से जल्दी जितना टाइम मिल पाएगा मैं देखो आपके लिए वो अपलोड कर पाऊँ। मुझे देखो मैं तो पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप मई में एग्ज़ाम दो, हर पॉसिबल मैं हेल्प करने को तैयार हूँ जितना हो सकता है, लेकिन आप भी उसी हिसाब से तैयारी करो कि हम मई में देंगे,
जब नहीं होगा तो लास्ट में है ना ऑप्शन, लेकिन लास्ट में अभी क्यों क्विट करें, तो उस टाइम पढ़िएगा, ठीक है। तो आपका फर्स्ट फेज और सेकंड फेज का एग्जाम था, तो मैं हर बच्चों को बोलूँगा फर्स्ट फेज दीजिए और 10 दिन है, 10 ईयर उठाइए और अच्छे से तैयारी करिए। और मैंने बताया कि 10 ईयर कहाँ से मिलेगा, मैं लिंक में डाल दूंगा, वेबसाइट भी डाल दूंगा, फ़ोन नंबर भी डाल दूंगा, आप सीधा कम्युनिकेट करिए और उनसे रिक्वेस्ट करिए कि मुझे वन डे डिलीवर करवा दे, फास्ट डिलीवर करवा दे, चाहे 5-7 रुपये एक्स्ट्रा ले लें आप, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड फेज में हम लास्ट में देखेंगे। तो बस मुझे आपको यही इन्फॉर्म करना था, स्टार्ट कर दीजिए और अभी से स्टार्ट करिए। अभी आप देख रहे हैं वीडियो, तो अभी से स्टार्ट करिए, ज़्यादा डिले मत करिए अभी। थैंक यू सो मच।